कृषि भूमि बचाओ अभियान कार्यक्रम की शुरुआत करने शाहपुर के रजोल पहुंचे कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने शाहपुर की जनता का आभार जताते हुए कहा कि वे शाहपुर की जनता के धन्यवादी हैं, जिन्होंने कांग्रेस की झोली में एक युवा विधायक के तौर पर केवल सिंह पठानिया को चुना। उन्होंने भाजपा की अराजकता वाले सवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा के पास फिलहाल बोलने को कुछ नहीं है, इसीलिए वो अनाप शनाप की बयानबाजी कर रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कई तरह की विकासात्मक परियोजनाओं पर कार्य कर रही है। सुक्खू सरकार ने आते ही असहायों दबे कुचले वर्ग के उत्थान का संकल्प लिया है। सबसे पहले तो मैं शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि पिछले चुनाव में आपने एक इकरार और नौजवान श्री केवल सिंह पठानिया को आशीर्वाद दिया और 14वीं लोकसभा में इन्होंने पदार्पण किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार काम भाजपा काम पैदा होगा। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ है तो नहीं बोल रहा, तो वो अनाप शनाप बन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू का मंत्री चुनाव कर रहे हैं और हम पारदर्शिता से काम कर रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छी फीसें आज तक की है। पुरानी पैसों उसको शुरू किया, अब इस कैबिनेट में हम 1500 रुपया महिलाओं को जो है वो उनके खाते में डालने जा रहे हैं। उन्होंने अनाथ आश्रम में जा रही है, बहुत से बच्चों को ध्यान रखा है, नाग नाले में उनको सरकार ने उनको अच्छी और बेहतर एजुकेशन दी। पूछना कि जब आप सत्ता में थे तो आपने 70,000 करोड़ रुपये के कर्जे लिए थे और सारे प्रदेश को कर्जे में डे और आदमी को जो पैसे थे वो आपको लोगों के पैसे के लिए उनको सूट दिए, आपने करोड़ों रुपया आपने जो है वो अपने यहाँ शान बान के लिए लगाया। कितनी बार प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में आए, करोड़ों रुपये का आपने उनके ऊपर निवेश किया और नट रिजल्ट क्या निकला, या तो वो सेकू बड़ी खाता रहा या हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस धामियाँ गल करता रहा। कांग्रेस मुख्यमंत्री को पायदार बात करनी चाहिए थी, कोई जैसे अपने हिमाचल प्रदेश के फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है उनको देख करके कुछ एक मुश्त जो है उस वक्त पैसा देना चाहिए। अभी हमारी सरकार सत्ता में आई है, हम देख सुन करके काम करेंगे। जो हमारी प्रायोरिटीज मुख्यमंत्री ने फेस की उनको हम सबसे पहले यहाँ लोगों की प्रश्न हमारी वचन पत्र था, उसके वो जो एक प्रेस में ले जाए मैंने प्रेस का जो नामागार मैंने उसको पूछा कि मैं आपको अपने घर का फोटो भेजूँ, मेरे बाथरूम देखना, मेरा घर देखना। मैं क्या जब एक किराएदार चला जाता है दूसरा किराएदार आता है तो क्या तब वहाँ पर जो है वो झाड़ फूक नहीं की जाती, कम से सफाई की जाती? सारे के सारे मैं क्या जितने लोगों को अलॉटमेंट की है सारी कोठियाँ जो है वो ऐसे रखते हैं जहाँ पर तबेला बना हुआ है। आज मुख्यमंत्री की अपनी कोठी जो है उसका उप का जितना जो है वो फर्श जो है वो लीक कर रहा है, पानी टपकता है, तो उसकी रिपेयर ना करें। ये कोठियाँ हमारी पुरानी धरोहर हैं, इनकी मेंटेनेंस के लिए पैसा चाहिए, इनके रख रखाव को पैसा चाहिए, इनकी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। आप क्या कहते हैं कि अगर एक किराएदार चला जाएगा जब दूसरे किराएदार को, तो वो आपसे कहेगा कि भाई इसका जो है वो कम से कम अंदर जो है वो थोड़ा बहुत पेंशन तो कर दो, नहीं तो वो क्यों कहे बात जो आप उसमें आपके घुसेगा। जो आदमी 5-5, 6-6 साल उन कोठियों में रहे हैं, इतना गंद डाला हुआ है, कम से कम उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस वगैरह के लिए जो है प्रेस और मीडिया को जो है ये चीज़ें ज़्यादा लिखती है। और मैं उनको कहा कि आपके भी प्रेस एंड मीडिया को इतनी अच्छी कोठियाँ दी हैं जो आपको शिमला में दी हैं, क्या आप उनकी देख रेख नहीं करते, क्या आप पेट्रोल वालों को नहीं करते इसके लिए? तो ये फजूल की बातें हैं, इससे कोई ज़्यादा इनकी बातों में हम ज़्यादा।